हे गाइस नमस्कार, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। सिक्स सीटिंग सीरीज का आज अगला वीडियो है, जो कि ऑफ साइट में जो फुल लेंथ की डिलीवरी आती है उसको लॉन्ग ऑफ की तरफ या कवर की तरफ छक्का कैसे मारें उसके ऊपर है दोस्तों। जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है वो है बैक लिफ्ट, और जो बैट का जो स्विंग आता है आपका, बैट का जो फेस खुलता है वो, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग मार खा जाते हैं। जैसे ऑफ में बॉल आती उसको भी सेम वैसे ही हिट करते हैं सीधा बैट लाके। अगर आपकी बॉल इस डायरेक्शन में आ रही तो आपने उसको बैट का फेस खोलते हुए इधर को ले जाना है बैट, और बैट स्विंग बहुत बढ़िया होना चाहिए, बॉडी वेट हल्का सा आगे क्यों होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए ऐसे, जो कंधा है वो झुकना नहीं चाहिए। जैसे आप स्टेट में बताया था मैंने, सेम उसी तरह से आपका इसमें भी है, कंधा झुकना नहीं चाहिए। आप ये मारे, कई लोग इसको ऐसे भी मार देते हैं छक्का, बट आपने कोशिश करना है एक जो बॉल के करीब जो बायां वाला पैर है उसको बॉल के करीब ले जाके, जैसी बॉल फुलर लेंथ में आती है, फुलर लेंथ मैंने कल भी बताया था, आप जहाँ पे खड़े हैं स्टांस जहाँ पे है स्टांस से थोड़ा सा एक कदम आगे लीजिए, उसके बाद अपने बैट को ऐसे लंबा करिए, एकदम बैट के ये जो हैंडल है इसको इसके टॉप में पकड़ के यहाँ पहुँचाइए। जितना दूर ये पहुँच रहा है वो आपका फुलर लेंथ का जोन है, यानी स्लॉट बॉल जिसको बोलते हैं, स्लॉट बॉल वाला एरिया है। इस एरिया में जो भी बॉल आती है इसकी काफ़ी लंबी प्रैक्टिस आपने करनी पड़ेगी, कंटिन्यू 200 300 400 जितना बॉल हो सके पर डे 50 बॉल भी अगर आप यहाँ पे खेलते हैं फुलर लेंथ में ऑफ साइड में, कंटिन्यू इस एरिया में आपने बॉलिंग डलवानी है, और कंटिन्यू बैट का फेस खोलना है, फेस ऐसे खोलना है। देखिए अगर फेस आपका ऐसे आ गया सीधा तो बॉल जा रही ऑफ की तरफ, उसका 100% आपका कैच उठना ही उठना है। तो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें बैट का फेस है। आप बैक लिफ्ट आपका सेम जाएगा ऊपर, कंधा आपको इस डायरेक्शन में जाएगा बॉल की डायरेक्शन में, और बैट यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आया तो कैच उठेगा, समझ लिए। इसकी थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शैडो प्रैक्टिस, जैसे मैंने पहले भी बताया था ऐसे बैट खोलने का। अब इसमें एक एल्बो अप करके है जो कि टेनिस बॉल में कोई खेलता नहीं, हालांकि बहुत सारे जो बड़े टूर्नामेंट लेवल के प्लेयर हैं टेनिस में वो उनको कई बार देखा है ऐसे बिल्कुल एल्बो अप करके, जो इंटरनेशनल में जो लेदर बॉल से खेलते हैं उस तरह से मारना, क्योंकि इस डायरेक्शन में फील्डर कम ही होता है, ज़्यादातर लेग में लगा के रखते हैं। इस जोन में जो है कवर और इसके बीच में मिड ऑफ के बीच में जो है फील्डर नहीं होता है, तो यहाँ पे पूरा गैप रहता है, इसको आप आसानी से ऐसे खेल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कॉन्फिडेंस बहुत कम आएगा एल्बो अप करके, क्योंकि एल्बो अप करके टाइमिंग बनाना बहुत मुश्किल है, जब तक आपकी काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं है इसमें एल्बो अप करके आप नहीं मार सकते। बाकी थोड़ा सा ताकत लगाने से क्या होता है, ताकत लगाएंगे तो ताकत लगा के क्या है ओवरऑल बॉल जा सकती है, आपको कॉन्फिडेंस रहता है फुल स्विंग बैट स्विंग से, एल्बो अप करके थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ताकत लगाते समय ये है, यहाँ मारते समय बहुत ज़्यादा हार्ड टाइट नहीं पकड़ना ऑफ साइड में, स्पेशली स्ट्रेट में लॉन्ग ऑन की तरफ कर सकते हैं, ऑफ साइड में बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो आपका छक्का सही से नहीं लगेगा। एकदम मीडियम पकड़ना, आपने मीडियम पकड़ के इसको बैट फेस खोलते हुए ताकत लगाना, जब यहाँ बैट बॉल का कॉन्टैक्ट हो जाएगा उसके बाद आपका बैट यहाँ ऐसे आ सकता है, पहले ही आप ऐसे कलाई मोड़ने लग गए तो आपका कैच उठेगा 100%। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आप स्टार्टिंग में फुल टॉस बॉल से कर सकते हैं, फुल टॉस बॉल में अगर आपका बैट का एंगल ऐसे लगते हुए छक्का जा रहा तो बहुत इजी हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है बैट का जो फेस जो ऑफ की तरफ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ये फेस आपने फुल टॉस बॉल में आपने ट्राई करके खोलना है, फिर अंडर आर्म करके खोलना है, कोन रख के करना है, उसके बाद जो है फिर जाके आप इसको फुल लेंथ से फुल पिच से बॉलिंग करा के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कुछ दिन तक आप नेट में करिए, नेट में जब आप आपका सही कनेक्शन बैठ रहा है बैट और बॉल का, उसके बाद ग्राउंड में करिए, ग्राउंड में करने से आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नॉर्मली ग्राउंड में आप पहले कौन रख के कर सकते हैं, जा रहा है नहीं जा रहा है उस डायरेक्शन में बॉल करके, उसके बाद आप जो है फुल पिच से बैटिंग बॉलिंग करा के आप अच्छे से खासी प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ज़्यादा अच्छा आपका शॉट लगेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो बॉलर मुझे बॉलिंग कर रहा है बहुत फास्ट बॉलर नहीं है, बट आपके पास भी अगर फास्ट बॉलर नहीं है तो आपने फिलहाल सिर्फ आपने छक्के मारने की टेक्निक सीखनी है, ना कि फास्ट बॉलिंग पर बैटिंग करना सीखना है। आपने इस तरह से, चाहे आपका स्लो बॉलर हो, आपको कंटिन्यू बॉलिंग करेगा इस जोन पर और आपने कंटिन्यू हिट करते जाना है। अगर आप स्लो बॉल में भी छक्का मार पा रहे हैं, ये 80-85 मीटर की बाउंड्री है कहीं करीब, तो अगर आप ये पार कर पा रहे स्लो बॉलर में तो आप
फास्ट बॉलिंग में और भी आसानी होगी आपको, क्योंकि जितना ज़्यादा फास्ट बॉल आएगा उतना ही तगड़ा छक्का जाता है। तो इस तरह से आपने कंटिन्यू ऑफ वाले डायरेक्शन में बल्ले का फेस खोलते हुए बॉल को हिट करते जाना है कंटिन्यू, और लगातार ऐसे प्रैक्टिस करनी है। पहले नेट में प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने इस तरह से ग्राउंड में करनी है। इस तरह से दोनों में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा और आपके शॉट बहुत लंबे लंबे लगेंगे। तो दोस्तों सीरीज़ में बने रहे कंटिन्यू, और इसी तरह के अट्रैक्टिव वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। दोस्तों सीरीज़ में बने रहे, आपको हर शॉट के ऊपर छक्का मारने का तरीका बताया जाएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतने ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।